हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आज हम सभी क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन के अंतर्गत कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे जो कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसमें 10वें नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, प्रतिशत प्राकलन संरचना की मूल लागत का होता है। यानी अगर कोई प्राकलन तैयार किया गया, जब हमारा निर्माण कार्य होता है तो निर्माण कार्य होने से पूर्व हम उस संरचना पे होने वाले समस्त प्रकार के खर्चे को ज्ञात कर लेते हैं कि कितना संभावित खर्च इस पे होगा। तो जो खर्च होगा उसका 5% यानी मूल लागत जो खर्च हो चुका है उसका कितना परसेंट लिया जाएगा। तो यहाँ पे 10वें क्वेश्चन में हमारा जो प्रतिशत प्राकलन संरचना की मूल लागत का लिया जाता है वह 1.5% लेते हैं, 1.5%। इसी 1.5% में हमारा मरम्मत व अनुरक्षण का कार्य भी किया जाता है। यानी 11वें क्वेश्चन में कहा गया है कि मरम्मत व अनुरक्षण पर व्यय संरचना की मूल लागत का कितना प्रतिशत होता है, तो यह भी हमारा 1.5% ही होता है। जैसे कहा जाए कि पेंट करना हो, चूना लगाना हो या सफ़ेदी करना हो या कांच वगैरह हो कहीं पे टूट गए हों, खिड़की वगैरह पर लगाए गए हों या प्लास्टर हुआ कहीं पे ख़राब हो गया उसको बदलना हो, तो ये सब छोटे मोटे जो मरम्मत के कार्य किए जाते हैं, अनुरक्षण के कार्य किए जाते हैं, यह मूल लागत का 1.5% लिया जाता है। 12वें क्वेश्चन में कहा गया है कि संशोधित प्राकलन की स्वीकृति संरचना की मूल लागत का प्रतिशत बढ़ जाने पर मिलता है। यानी जब विस्तृत प्राकलन किया जाता है तो विस्तृत प्राकलन के अंतर्गत हमारा एक संशोधित या पुनरक्षित प्राकलन भी आता है। इसमें होता क्या है कि जो हमारी सामग्री होती है, यदि सामग्री की दर बढ़ जाती है या जो मजदूरी होता है वह मजदूरी बढ़ जाता है या फिर सामग्री और मजदूरी दोनों में किसी कारण से वृद्धि हो जाती है और वह वृद्धि 10% तक होता है तो संशोधित प्राकलन तैयार किया जाता है। जब हमारा संशोधित प्राकलन तैयार किया जाएगा तभी उसकी स्वीकृति मिल सकती है। यानी इस क्वेश्चन में कहा गया है कि संशोधित प्राकलन तभी तैयार किया जा सकता है जब इसकी लागत 10% से अधिक हो, और जब 10% से अधिक लागत होगी तभी इस कार्य की पुनः से स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। तो इसका जो विकल्प होगा हमारा 10 होगा। ए 13वें क्वेश्चन में कहा गया है कि जो फुटकर बे के लिए प्राकलन में संरचना की मूल लागत का प्रतिशत प्रधान होता है। अगर कोई निर्माण कार्य किया जाता है तो इस निर्माण कार्य के दौरान उस संरचना पे छोटे मोटे लेकिन आवश्यक मदों में कुछ खर्चे हो जाते हैं, लेकिन उन खर्चों का किसी मद में नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन अगर ये खर्चे नहीं किए जाते हैं तो जो हमारा निर्माण कार्य होता है यह निर्माण कार्य प्रभावित होने लगता है। तो निर्माण कार्य हमारा प्रभावित ना होने पाए इसलिए उस कार्य पर फुटकर वे किए जाते हैं, और जो यह फुटकर वे किया जाता है यह हमारा 3-5% मूल लागत का होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में कहा गया है, कार्य प्रभारित स्थापना के मूल के संरचना की मूल लागत का कितना प्रतिशत होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्य प्रभारित स्थापना क्या होता है। जब कोई हमारा निर्माण कार्य चल रहा होता है उसे निर्माण कार्य के दौरान यदि किसी प्रकार के श्रमिक
या फिर कर्मचारी की आवश्यकता पड़ती है और उस कर्मचारी या श्रमिक को कार्य के दौरान ही नियुक्त किया जाता है, तो जो यह नियुक्ति की प्रक्रिया होती है वह हमारा कार्य प्रभारित स्थापना कहलाता है। और जो यह कार्य प्रभारित स्थापना के लिए बजट निर्धारित होता है, यह मूल लागत का 1.5 से 2% निर्धारित होता है। इस श्रमिक या कर्मचारी के अंतर्गत कह सकते हैं मेट हो गए या किसी प्रकार के श्रमिक हो गए, चौकीदार हो गए, यानी किसी भी प्रकार के कर्मचारी के या श्रमिक की नियुक्ति इसमें किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है लिफ्ट व उठान, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन में कहा गया है उठान व वाहन दूरी, वाहन दूरी, उठान व वाहन दूरी PWD के अनुसार कितना मीटर होता है। यहाँ उठान के स्थान पर वाहन दूरी रखेंगे, वाहन दूरी। लिफ्ट व उठान PWD के अनुसार कितना मीटर होगा, यहाँ उठान के स्थान पे वाहन दूरी लिखा जाएगा। यहाँ पे कहेंगे लिफ्ट व वाहन दूरी PWD के अनुसार कितना मीटर रखा जाता है। तो यह जो हमारा निर्धारित होता है PWD के अनुसार, जो हमारा उठान होता है यह उठान 1.5 मीटर, जबकि वाहन दूरी जो हमारा होता है यह 30 मीटर रखा जाता है। लेकिन जब यही CPWD हो जाता है तो इसके अंतर्गत उठान तो हमारा 1.5 मीटर होता है, लेकिन जो वाहन दूरी होती है यह वाहन दूरी 50 मीटर लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि लिफ्ट और वाहन दूरी PWD के अनुसार कितना मीटर होगा। तो वह हमारा लिफ्ट जो होगा 1.5 मीटर होगा और वाहन दूरी जो होगा वह 30 मीटर होगा। तो इसमें से हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। ऐसे 16वें क्वेश्चन में कहा गया है कि जल आपूर्ति व स्वच्छता पर संरचना की मूल लागत का कितना प्रतिशत खर्च होता है। तो जब हमारा निर्माण कार्य पूर्ण हो जाता है तो उसमें जल व्यवस्था के लिए टंकी लगाए गए, प्लम्बिंग का कार्य किया गया, साकेट जोड़ जो पाइप में लगे वो लगाए गए, पाइप लाए गए, और स्वच्छता के लिए जैसे कह सकते हैं कि वॉश बेसिन बनाया गया, सिंक बनाया गया, वाटर क्लोसेट बना दिया गया, बाथरूम बनाया गया, तो ये इन सब पे जो हमारे खर्च आते हैं वह लगभग 8 से 12% होते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रबलन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो विकल्प होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जो रेशा प्रयोग किया जाता है जब कंक्रीट बनाई जाती है, या कह सकते हैं कि रेशा कंक्रीट, जब रेशा कंक्रीट बनाया जाता है तो कंक्रीट आयो के साथ साथ प्रबलन के लिए इसमें इस्पात के छोटे छोटे आयो तारों के रूप में जो होते हैं उनका प्रयोग करके, नहीं तारों से भी छोटे होंगे, इसी में डाल करके फिर कंक्रीट बनाया जाता है। इस्पात जो होता है जब कोई धरन या कालम बनाए जाते हैं तो धरन और कालम में भी इस्पात छड़ों के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। जो हमारा भूसा होता है, कह सकते हैं कि जब हम मिट्टी गारा का मसाला तैयार करते हैं, मिट्टी गारा का, तो इसमें क्या किया जाता है कि मिट्टी गारे का प्रबलन के लिए इसमें भूसा का प्रयोग कर लिया जाता है। तो तीनों हमारे प्रबलन के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, इसलिए इसका विकल्प जो हमारा होगा उपरोक्त सभी सही होगा, जो डी के अंतर्गत दिया गया है। यहाँ पे अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि बालू हो, सुर्खी हो, राख हो, सिंडर हो, मिट्टी का मापन हो, तो ये सभी जो किए जाते हैं वो हमारे घन मीटर में किए जाते हैं। बालू, सुर्खी, राख, सिंडर,
कंक्रीट हो या न्यू में कंक्रीट हो या फिर कह सकते हैं ईंट चिनाई किया गया हो, तो इन सब के जो मात्रा का निर्धारण किया जाता है वह हमारा घन मीटर में किया जाता है। और मिट्टी का जो मापन किया जाता है यह भी घन मीटर में किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जो गहराई होगी वह गहराई 30 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए, तभी घन मीटर में मापा जाएगा। अगर 30 सेंटीमीटर से कम होगा तो इसको वर्ग मीटर में माप लिया जाता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि कांच की पट्टी हो या एल्युमिनियम की पट्टी हो, इसका मापन किस में किया जाता है। तो जब हम फर्श बनाते हैं, फर्श इस प्रकार से हमारा बना होता है और इसको कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, यानी कंक्रीट डालते समय इसमें कांच की एक पट्टी भी डाल दी जाती है जो हमारा 4 mm मोटाई में होता है। साथ ही साथ इसकी जो लंबाई होती है वह 30 मीटर होता है, यानी 30 मीटर लंबा और 4 mm मोटा एक कांच की पट्टी होगी और इसकी जो मापन की जाएगी वह मीटर में किया जाएगा। तो एल्युमिनियम की जो पट्टी होगा उसका भी मापन मीटर में ही किया जाएगा। तो 19वें क्वेश्चन का विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। ऐसे आगे के क्वेश्चन में दिया गया है कि संगमरमर पत्थर की पटिया का जो मापन किया जाता है वह किस में किया जाता है। तो जब संगमरमर की पटिया होगी, यानी यहाँ पे संगमरमर पत्थर होगा लेकिन यह गुटकों के रूप में, टुकड़ों के रूप में ना हो करके यह प्लेट के रूप में होगा, या कह सकते हैं कि जिस प्रकार से टाइल होता है उसी प्रकार से होगा, यानी लंबाई चौड़ाई के साथ साथ इसकी जो मोटाई होगी वह मोटाई बहुत कम होगा। अगर उसकी मोटाई बहुत कम हो जाती है तो इसका जो मापन किया जाता है वह वर्ग मीटर में करते हैं, यानी संगमरमर पत्थर की जो पटिया होगी उसकी अगर मापन की बात किया जाए तो वह मापन वर्ग मीटर में किया जाता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है प्रकाष्ठ की स्लीपर हो या चौखट हो, इन सभी का जो मापन किया जाता है यह मापन हम घन मीटर में करते हैं, क्योंकि अगर लकड़ी को खरीदने या बेचने का कार्य किया जाए तो जो हमारा लकड़ी होता है सामान मार्केट में घन फुट में खरीदा या बेचा जाता है। चूँकि यहाँ घन फुट होगा नहीं तो, लेकिन यह हमारा आयतन को दिखाता है, तो यहाँ घन मीटर भी हमारे आयतन को ही दिखाता है। चौखट की बात किया जाए कि जो दरवाजे खिड़की लगाए जाते हैं उनमें पोस्ट होते हैं, तो इन पोस्ट का जो मापन किया जाता है वह भी हमारा घन मीटर में मापन किया जाता है। लेकिन वहीं लकड़ी के पटरे होते हैं या पल्ले होते हैं तो उनका जो मापन किया जाता है वह वर्ग मीटर में करते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक एक क्वेश्चन में दो दो तीन तीन प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी क्वेश्चन तो एक है लेकिन इसमें कई क्वेश्चन कर दिए गए हैं एक साथ। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि सीमेंट का मापन किया जाता है, तो जो सीमेंट का मापन करते हैं वह हम केजी में करते हैं, क्योंकि जो सीमेंट आती है सीमेंट बोरियों में आती है और एक बोरी जो होता है वह हमारा 50 केजी के बराबर होता है, या फिर यह ड्रमों में भी लाया जाता है लेकिन यह ड्रम में इसको लाया जाता है तो यह हमारा 200 केजी के ड्रम में होता है। अगर एक बोरी सीमेंट की बात किया जाए तो इसका जो आयतन होता है एक बोरी सीमेंट या 50 केजी सीमेंट का आयतन यह 35 लीटर होता है, या फिर 0.0347 मीटर क्यूब में भी लिया जा सकता है। तो अब यहाँ पे हो गया कि सीमेंट का मापन किया जाता है तो केजी में, लेकिन अगर यहाँ पे कहा जाता कि एक बोरी सीमेंट का आयतन होता है तो वह 35 लीटर पे टिक किया जाता, या फिर अगर यह दिया गया होता तो इस पे टिक किया जाता। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि पटरे लेते हैं या पल्ला लिया जाता है, पल्ले जो ऐसे बनाए जाते हैं 30 mm से लेकर के 50 mm मोटाई में बनाया जाता है, ऐसे ही हमारे पटरे भी बने होंगे। अगर इनके मापन की बात किया जाए तो यह वर्ग मीटर में
किया जाता है। वहीं अगर पटरे प्रयोग करके फर्माबंदी बनाई जाती है तो फर्माबंदी का जो मापन करते हैं वह भी हम वर्ग मीटर में ही करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि साफ सफाई करना हो या सतह को समतल करना हो या फिर उथली खुदाई करना हो तो इनका जो मापन किया जाएगा यह किस में किया जाएगा, तो इन सभी का मापन वर्ग मीटर में किया जाता है। जब साफ सफाई होती है जैसे कोई भूमि सतह इस प्रकार से हो और इस पर छोटी छोटी झाड़ियाँ लगी हों, पेड़ पौधे हों, तो इनकी साफ सफाई का जो मापन किया जाता है वह वर्ग मीटर में होगा। अगर इनके सतह की समतलन की बात की जाए तो यह 15 सेंटीमीटर का कटाव या भराव हो रहा हो तो वह हमारा कटाव और भराव दोनों सतह समतलन के अंतर्गत आएंगे और इनका मापन हम वर्ग मीटर में करते हैं। वहीं पे इस क्वेश्चन में तीसरा भाग है कि उथली खुदाई, जो खुदाई की जाती है एक गहरी खुदाई किया जाता है और एक उथली खुदाई किया जाता है, तो जो गहरी खुदाई करते हैं जब गहराई उसकी 30 सेंटीमीटर से अधिक होती है तो यह हमारा गहरी खुदाई के अंतर्गत आता है। जब गहरी खुदाई होती है तो इसका जो मापन किया जाता है वह मीटर क्यूब में किया जाता है, लेकिन यही गहराई जब 30 सेंटीमीटर से कम हो जाती है तो इसको उथली खुदाई कहा जाता है और इसका जो मापन किया जाता है वह हमारा मीटर स्क्वायर में किया जाता है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है सतह संपूर्ति का मापन किया जाता है। अगर कोई सतह है, सतह को समतल करना हो या सतह की संपूर्ति का कार्य करना हो, जैसे फर्श बनाया गया तो फर्श का फिनिशिंग किया जाएगा, स्लेब बनाया गया तो स्लेब बनाने के बाद भी उसके सतह का फिनिशिंग का कार्य किया जाता है, तो ये सभी जो मापन कार्य किए जाते हैं वर्ग मीटर में किए जाते हैं। यानी 25वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि पेंट, डिस्टेम्पर, वार्निश का मापन किया जाता है तो इन सभी का जो मापन किया जाता है वह हमारा लीटर में किया जाता है, क्योंकि जो पेंट, डिस्टेम्पर या वार्निश या तेल होते हैं तो ये लिक्विड अवस्था में होते हैं, जो लिक्विड में होता है उनका जो आयतन का मापन किया जाता है वह लीटर में ही किया जाता है। यानी आयतन की मात्रक की बात किया जाए तो लीटर भी होता है और आयतन भी होता है, यानी मीटर क्यूब में भी अगर दिखाया जाता है तो भी आयतन को दिखाएगा, लीटर में दिखाया जाता है तो भी वह आयतन को ही दिखाएगा, लेकिन लीटर होगा तो लिक्विड को दिखाएगा, मीटर क्यूब में होगा तो यह ठोस को दिखाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि सफ़ेदा, कीला, हुक, कटीला तार, इन सभी का मापन किया जाता है तो इन सभी का मापन जो करते हैं वह हम केजी में करते हैं। यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। सफ़ेदा यानी कह सकते हैं कि चूना, तो चूना का जो मापन करते हैं वह हम केजी में करते हैं। कील अगर लेने जाते हैं तो इसकी भी मापन केजी के हिसाब से दिया जाता है, हुक भी केजी के हिसाब से दिया जाता है, और जो कांटों वाले तार होते हैं इनको भी जब खरीदने जाते हैं तो केजी के रेट से ही दिया जाता है। वहीं पे अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि संगमरमर के दाने हों या चद्दर हों, इस्पात की चद्दर कह सकते हैं, तो इनका जो मापन किया जाएगा इनका मापन कुंटल में किया जाएगा। यानी 28 का ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे पत्थर ना हो करके पत्थर के छोटे छोटे बहुत टुकड़े होंगे, यानी संगमरमर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होंगे, दाने होंगे, अगर उनके मापन की बात की जाएगी तो वह हमारा कुंटल में लिया जाएगा। वहीं अगर इस्पात की चादर होती है तो उसका भी जो मापन किया जाता है वह हम कुंटल में ही करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि प्लास्टर व टेप कार्य का मापन किया जाता है, तो जो प्लास्टर होते हैं या टेप कार्य होते हैं इन सभी का मापन वर्ग मीटर में किया जाता है। जो प्लास्टर कार्य किया जाता है वह 6 mm से लेकर के और 20 mm मोटाई में करते हैं,
जो कि सामान्यतः अगर प्लास्टर की बात किया जाए तो वह सामान्यतः 12 mm मोटाई में किया जाता है, और इसका जो मापन करते हैं वह मापन वर्ग मीटर में किया जाता है। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हमारा यहीं तक का क्वेश्चन होगा, इसके आगे के क्वेश्चन अगले लेक्चर में उपलब्ध करवाए जाएंगे। अगर यह वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।